हेलो दोस्तों, ये लक्ष्मी टेक्निकल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रोज़ नए नए वीडियो लाते रहे, आप सभी भाइयों का मनोरंजन करते रहे। ये पुराने रेडियो के संग्रहकर्ता, ये लक्ष्मी टेक्निकल। जिस भाई को रेडियो लेना हो, कृपया कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या कॉल करें। ये फिलिप्स का रेडियो है, ये फिलिप्स। ये आपका दो बैंड हो गया, मीडियम शॉर्ट। ये आपका वॉल्यूम वाला पॉइंट हो गया, ये आपका ट्यूनिंग वाला है, ये वॉल्यूम वाला है। ये जवान है, मीडियम शॉर्ट वेव पोर्टेबल रेडियो DL224। ये चालू कंडीशन में सेट है, अब मैं इसको बजा कर दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से मिशन ने देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा दिया है। इस अभियान के दौरान खुले में शौच मुक्त करने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में व्यापक कार्य किया गया है। इस अभियान के 10 वर्षों के इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध कई महत्वपूर्ण मूल्यों पर आधारित हैं। भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत আজকের অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের পরিচয় দেব। 2000 अब मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ, अंडर का पीसी भी। देखिए, इससे टूटा फूटा नहीं है, इसका खूंटी दोनों सही है, चारों खूंटी सही है। ये आपका ये बाहर का एडाप्टर से बजाने वाला है, ईपी सॉकेट लगा हुआ है। ये स्पीकर इसका ओरिजिनल लगा हुआ है। अभी इस बोर्ड में कहीं छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जो कंपनी के सामान लगा सब वही सामान है इसमें। ये आपका 5570 IC है आपका। इधर एक ऑडियो IC होता है 4510। ये सब फिलिप्स का कंडेंसर इसमें लगा हुआ है, ओरिजिनल कंपनी का फिलिप्स का कंडेंसर ये है सब। ये आपका बैंड हो गया, दो बैंड का है। भारत
बस में 40 से अधिक छात्र और शिक्षक सवार थे। हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल को उम्मीद से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। इस पुराने रेडियो को अपना बनाइए, पूरे परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए। फिर मैं कल नए वीडियो और पुराने रेडियो के साथ, कृपया आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम। मैं बिहार से हूँ। 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी और दरभंगा सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। तटबंधों के टूटने के बाद बाढ़ की विभीषिका का मंजर साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया।